Good morning, students. I am Rishali Agrawa, your maths teacher. Previous class में हमने exercise 4.2 and exercise 4.3 complete की थी. Today I am gonna start exercise 4.4. Okay. So firstly हमें ये chapter जानना है. Chapter किसके basis पे? Chapter 4 क्या है? Multiplication. सो जो आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे वो सारी किस बेसिस पे होंगी? मल्टीप्लिकेशन पे. ओके, सो देखते हैं. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अ होल सेलर हैज 12,543 सैक्स ऑफ राइस इन स्टॉक. इफ ईच सैक हैज 15 केजी राइस, हाउ मच राइस इज देयर इन ऑल. होल सेलर हैज कितने स्टॉक है उसके पास? होल नंबर ऑफ sacks of rice in stock equal to 12,543. okay, अब क्या बताना? each sack has 15 kg राइस. ईच सैक में कितना केजी राइस है? 15 केजी. तो आपको बताना है टोटल राइस इन 12,543 सैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12,543 मल्टीप्लाई बाई 15. ओके, अब हम देखते हैं. 5 3 जो 15 की 5 कैरी आई 1, 5 4 जो 20 और 21 की 1 कैरी आई 2, 5 5 जो 25 4 2 27 कैरी आई 2, 5 2 जो 10 और 2 12 कैरी आई 1, 5 1 जो 5 1 6. अब 1 3 जो 3, 1 4 जो 4, 1 5 जो 5, 1 2 जो 2, 1 1 जो 1. अब हम दोनों को ऐड करेंगे. 5 5 4 जो 20, 1 4 3 1 4 7 4 11 की 1 कैरी आई 1, 2 5 7 1 8 6 2 8 1. टोटल राइस कितना आ गया? 188,145. तो कितने सैक्स में? 12,543 सैक्स में कितना राइस आ गया? 1 लाख कितना आ गया? 1 लाख. आपका आंसर आ जाएगा 1,88,145 kg. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ बैग कंटेन्स 98 केजी. बैग कितना केजी वेट बैग कंटेन्स? लिख दीजिए. बैग कंटेन्स वेट इज इक्वल टू 98 केजी. ओके, फाइंड द मास ऑफ वीट ऑफ. कितने बैग का आपको मास फाइंड करना है? मास ऑफ वीट ऑफ एट फाइंड हम टोटल मास ऑफ वीट इन बैग्स इज इक्वल टू 10,050. अब आपको बताना है मास. तो कितना मास हो जाएगा? 98 केजी कितने में? एक में. तो 10,050 बैग्स में कितना आ जाएगा? 10,050 इंटू 98, 8 0 0 0, 8 5 द 40 की 0 कैरी आई 4 8 4 आ जाएगा. 8 0 0 4 4, 8 0 0 8 1 8, 9 0 0 9 5 जा 45 की 5 कैरी आई 4 4 0 9. ऐड करेंगे दोनों को. 0 0 9 4 8 9, 9,84,000 कितना आ जाएगा? 9,84,900 kg. 9,84,900 kg आ जाएगा आपका सेकेंड का आंसर. ओके, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर.
थर्ड नंबर क्या है, देयर आर 144 बॉल्स पेन इन अ कार्टून. कितनी बॉल पेन के कार्टून में कितनी पेन है, 144. हाउ मैनी बॉल पेन्स आर देयर इन 85 कार्टून. वन बैग में कितनी है, इतनी. फाइंड क्या करना है हमको, 85 बैग्स ऑफ पेन कितनी. हम जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 85 बैग्स में कितनी पेन्स है टोटल कार्टून में, बिकॉज एक बैग कितने, एक बैग में कितनी है, 144 हैं. तो हमको कितने की पता करना है, 85 बैग्स में. 5 4 20 की 0 कैरी आई 2, 5 4 20 22 की 2 कैरी आई, 5 1 5 2 7 नीचे, 8 4 32 की 2 कैरी आई 3, 8 4 35 कैरी आई 3, 8 1 8 और 3 11, 0 4 12 कैरी आई 1 2, 12,240. नंबर ऑफ पेन्स क्या हो जाएगा आपका, 12,240 पेन्स आंसर आ गया आपका. ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर. अब बस कैरीज 75%. एक बस कितनी कैरीज कर रही है, बस कैरीज इज इक्वल टू 75%. ठीक है, हाउ मैनी पर्सन्स विल बी कैरीड इन 335 बसेस. 335 बसेस कैरीज कितना आ जाएगा, 335 मल्टीप्लाई बाई 75 5 5 जो 25 की 5 कैरी आई 2, 5 3 जो 15 और 2 17 की 7 कैरी आई 1, 5 3 जो 15 और 1 16, 7 5 जो 35 की 5 कैरी आई 3, 7 3 जो 21 और 3 24 की कैरी आई 2, 7 3 जो 21 और 2 23, 5 7 5 12 की 2 कैरी आई 1, 6 4 10 1 11 की 1 कैरी आई 1, 3 1 4 1 5 2. अब बताइए आप कि 335 बसेस में कितने लोग आएंगे, तो आ जाएंगे 25,125 आंसर आ जाएगा. कितना आंसर आ जाएगा, 30. कितना आंसर आ जाएगा आपका, 25,125 आंसर आ जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, कौन सी है, नेक्स्ट नंबर 5. द कंपनी प्राइस ऑफ अ ट्राई साइकिल इज ₹685. ट्राई साइकिल की रुपीज कितनी है कंपनी की, 685 है. अ रिटेलर परचेज कितनी साइकिल्स कितनी खरीदता है, वो 225. तो 685 की उसको क्या पड़ रही है, एक साइकिल. आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 225 साइकिल. तो हम दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो हमें पता चल जाएगी कॉस्ट क्या है 225 साइकिल्स की. फाइव फाइव जो 25 की 5 कैरी आई 2, 8 5 जो 40 और 42 की 2 कैरी आई 4, 5 6 जो 30 और 4 34, 2 5 जो 10 की 0 कैरी आई 1, 2 8 जो 16 1 17 की 7 कैरी आई 1, 2 6 जो 12 और 1 13, सेम आ जाएगा 0 7 3 1, क्योंकि 2 से 2 1 प्लस करते हैं हम. 5 2 4 7 11 की 1 कैरी आई 1,
3, 3, 6, 1, 7, 7, 7, 14 की 4 कैरी आई 1, 3, 1, 2, 5 क्या जाएगा आंसर 54,125 रुपीज़। कितने रुपीज़ आ जाएगा 54,125 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, अ पैकेट कंटेन्स कितनी 576 एंकीज। एक पैकेट कितनी एंकी कंटेन कर रही है 576 एंकीज। हाउ मेनी एंकीज विल बी देयर इन 1,225 पैकेट्स। वन पैकेट इक्वल टू 1,225। अब आपको बताना है आंसर। ओके देखते हैं, अब हम इसका उल्टा डिफरेंट है, उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें इसको इजी करना है। 1,225 इंटू 576, 6, 5, 30 की 0 कैरी आई 3, 6, 2, 12 और 3, 15 की 5 कैरी आई 1, 6, 2, 12 और 1, 13 की 3 कैरी आई 1, 6, 1, 6, 1, 7, 7, 5, 35 की 5 कैरी आई 3, 7, 2, 14 और 3, 17 की 7 कैरी आई 1, 7, 2, 14 और 1, 15 की 5 कैरी आई 1, 7, 1, 7, 1, 8, 5, 5, 25 की 5 कैरी आई 2, 5, 2, 10 और 2, 12 की 2 कैरी आई 1, 5, 2, 10 और 2, 12 की 1, 11, 5, 5, 5, 4, 1, 6, 0, 5, 5, 10 की 0 कैरी आई 1, 3, 1, 4 और 4 और 7, 11, 11, 5, 16 की 6 कैरी आई 1, 7, 1, 8, 8, 5, 13 और 2, 15 की 5 कैरी आई 1, 8, 1, 9, 1, 10 की 0 कैरी आई 1, 7, आंसर इज 7,05,600 हैंकीज इन देयर 1,225 पैकेट्स। ओके नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, द मंथली फीस ऑफ अ स्टूडेंट कितनी है। एक मंथ की फीस कितनी है स्टूडेंट की रुपीज़ 175 वन मंथ। अब हाउ विल बी टोटल मंथ ऑफ फीस द स्टूडेंट ऑफ 857, तो कितनी हो जाएगी 857 स्टूडेंट्स की हमको निकाल देना है। सो आपको 7, 5, 25, 35 की 5 कैरी आई 3, 7, 7, 49 और 3, 52 की 2 कैरी आई 5, 7, 1, 7, 5, 12, 5, 5, 25 की 5 कैरी आई 2, 5, 7, 35, 37 की 7 कैरी आई 3, 5, 1, 5, 4, 3, 8, 8, 5, 40 की 0 कैरी आई 4, 8, 7, 56 और 4, 60 की 0 कैरी आई 6, 8, 1, 8 और 6, 14, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 8, 1, 9, 1, 4, 1,49,975 रुपीज़ आ गया आंसर। 1,45,975 रुपीज़ वन मंथ की 857 स्टूडेंट्स की फीस है। ओके अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ शैक ऑफ सुगर वेट कितना है 107 किलोग्राम। हाउ व्हाट विल बी द वेट ऑफ 407 सच पैक सैक्स, तो हम इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। 7, 7, 49 की 9 कैरी आई 4, 7, 0, 0, 4, 7, 1, 7, 0, 0, 0, 4, 1, 4, 7, 28 की 8 कैरी आई 2, 2, 4, 1, 4, 9, 0, 15 की 5 कैरी आई 1, 2, 1, 3, 4, 43,509 किलोग्राम्स। कितना आ जाएगा 43,000
509 किलोग्राम्स आ जाएगा आपका इसका आंसर। अब हम 9 नंबर देखते हैं। अब पैकेट कंटेन्स 432 बैलून्स, कितने बैलून्स, 432 बैलून्स। अब आपको बताना है 1275 पैकेट्स में कितने बैलून्स आएंगे, सो आपको दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 5 2 10 की 2 कैरी आई 1, 5 3 15 16 की कैरी आई 1, 5 4 20 21, 7 2 14 की 4 कैरी आई 1, 7 3 21 22 की कैरी आई 2, 7 4 28 22 30, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 4। अब हम सबको ऐड कर देंगे। 0 6 4 10 की 0 कैरी आई 1, 1 1 2 2 2 4 4 4 8, 2 6 2 8 8 2 10 की 0 कैरी आई 1, 3 1 4 4 8 12 12 3 15 की 5 कैरी आई 1, 4 1 5, 5,50,800 बैलून्स आ रहे हैं किसमें, 1,275 सच पैकेट्स में। इस एक पैकेट में कितने बैलून है, 432 बैलून्स है। तो ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 795 फैंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री डेली, हाउ मैनी फैंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ लीप ईयर, नंबर ऑफ हॉलीडेज इज 78। सो अब आपको बताना है कि लीप ईयर में कितने फैंस प्रोड्यूस्ड होंगे। लीप ईयर का मतलब होता है जिसमें आपको मंथ, एक मंथ की जो एक डेट है वो कम की जाए, ठीक है, लीप ईयर। सो 10 नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 10 से हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।